हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे भारत की जनता। मैं शांतपना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ अभी, और मेरी छोटी बहन की जॉब है रात को 10:30 बजे तक, अभी रात के बज रहे हैं 8:30। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बाल को थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ, हेयर वॉश किया है आज। और आप सभी को, आई एम सो सॉरी, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। जैसे ही रात शुरू होती है यहाँ पे कुत्तों का भौंकना चालू हो जाता है, एकदम पागल करके रखा है पूरे मोहल्ले के। मुझे समझ नहीं आता कि क्या इनकी मेंटालिटी होती है। जैसे ही कोई गाड़ी निकलती है कुत्तों का झुंड एकदम पीछे 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 भौंकना शुरू हो जाता है। वैसे मुझे कुत्ता कुत्ता बोलना बार बार अच्छा नहीं लग रहा है, डॉग्स का भौंकना। हमारे पास 2 फिश हम लेके आए थे, एक एक्सपायर हो गई थी और हनीमून हमने नाम रखा था। उसके बाद मेरी छोटी बहन ने 3 और फिश लाई और एक पहले से थी, तो 3 फिश में से 2 ख़त्म हो गई हैं वापस से। अब एक बची हुई है और एक और पुरानी थी, तो हमने वापस इन दोनों का नाम हनीमून रखा, एक ब्लैक कलर की है और एक गोल्डन कलर की है। बट ये फिश, मेरे को समझ नहीं आता, ये फिश बिल्कुल नहीं रह पाती हैं बाउल्स में। हमने पूरा इनका सेटअप करके रखा है, इनकी खाने का भी रखा है, साथ में ऑक्सीजन भी रखा है, उसके बाद भी ये नहीं रह पा रही। अगर अभी इन दोनों में से कोई किसी को कुछ होता है तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब मुझे नहीं रखना है फिश। अब जब एक्वेरियम लेंगे बड़ा सा उसमें प्लान करेंगे, बट अभी नहीं रखना है क्योंकि ऐसे बार बार ख़त्म हो रही है तो मुझे सही नहीं लग रही है। मुझे क्या था कि मेरा हाथ जल गया था, तो ये मेरा हाथ अभी इसकी कंडीशन ऐसी है, ये स्पॉट्स जा नहीं रहे हैं। अभी धीरे धीरे इसके लिए ट्यूब यूज़ कर रही हूँ और आधा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चला गया है साइड में, बट बाकी नहीं गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है, आई होप कि चला जाए ये स्पॉट, क्योंकि राइट हैंड पे है। कुछ भी वीडियो बनाओ कुछ भी करो तो अच्छा नहीं लगता, सामने ही हाथ में दिखता है ये। तो अब धीरे धीरे करके जाएगा, आई होप सो। हमारे घर में एक ही एक्सटेंशन है जो मेरी छोटी बहन यूज़ कर रही है, तो मेरे को अभी बोर्ड पे लगा के और अपने बाल को स्ट्रेट करना होगा, तो अपने बाल को स्ट्रेट कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, मैं आप सभी को ना ये वाला कोम्ब रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये कोम्ब मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। इससे क्या होता है कि बाल ना बिल्कुल आपके फंसते नहीं है और ना ही आपके बाल टूटते हैं। थोड़े बहुत बाल जो भी निकलते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं और बाल बहुत अच्छे से कोम्ब हो जाते हैं। तो पहले तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ नहीं किया, मेरी बहन इसे DIY से लेके आई थी, बट अब मैं धीरे धीरे से यूज़ करना शुरू कर दी हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप ही को सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसे यूज़ करें। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि कल के लिए सब्जियाँ लेके आ जाऊँ, फ्रूट्स भी लेके आ जाऊँ। तो मीनार पास में ही है हमारे घर के, तो मैं वॉक करके यहाँ से जा रही हूँ। और मैंने ब्लैक कलर का ये टॉप डाला हुआ है और बाल थोड़ा बहुत स्ट्रेट किया है, वैसे स्ट्रेट तो कुछ हुआ नहीं है, सामने सामने का बस कर लिया था, तो मैं निकल रही हूँ बस। हे गाइस, तो आई एम इन मीनाल और मीनाल में मेरी छोटी बहन का आज व्रत है, तो मैंने यहाँ से इसके लिए फूड परचेस किया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आइसक्रीम खाऊँ बैठी, तो ये मेरा फेवरेट ऑरेंज कैंडी, ये मैंने परचेस किया है, तो मैं भी ऑरेंज कैंडी खाऊँगी। और फल में मैंने लिया है ग्रेप्स और वाटरमेलन, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। हो रही है बूंदाबांदी, मतलब हल्की हल्की बारिश, तो मुझे जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म करनी है और फिर यहाँ से निकलना है बाहर। तो मैं आई हूँ भैया के यहाँ फुल्की खाने के लिए, मीनाल में ही है, मीनाल गेट नंबर 1 के पास में। तो जो भी लोग मीनाल के आसपास रहते हैं वो यहाँ पे फुल्की ज़रूर ट्राई करें। भैया की फुल्की वाले का नाम है सेवापुरी एवं चाट भंडार। गुड
की बहुत अच्छी है। तो बूंदाबांदी बारिश शुरू हो चुकी है और मैं ले रही हूँ यहाँ से फूल, उसके बाद मैं निकली घर के लिए। मैं आ गई हूँ वापस और फल लेके आ गई हूँ, साथ में मैंने फूल भी ले लिया है। अच्छा, फूल मैं हमेशा ले लेती हूँ क्योंकि क्या है, मेरे पास कुछ भी फूल का जुगाड़ नहीं है, मतलब मेरे पास फूल नहीं है और मैं भगवान को चढ़ाने फूल यूज़ करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, फूल लेके आ जाती हूँ 10 या 20 रुपए के और उसको 2-3 दिन चलाती हूँ, माफ़ करना भगवान जी, क्योंकि बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मैं ऐसा करती हूँ, उसको वॉश धो के गंगा जल छिड़क के और फिर उसे यूज़ करती हूँ। फ्रेश भी रहता है फूल, रखे रखे पानी में रख देती हूँ, कभी पानी से निकाल के ऐसे रखती हूँ, मतलब कि वो ख़राब ना हो। और साथ में धूपबत्ती भी लेके आ गई, धूपबत्ती नहीं था काफ़ी टाइम से। तो मैं आज व्रत नहीं रखी क्योंकि मेरा आज 5th डे था और हम लोग क्या पूजा 6 डे के बाद कर सकते हैं, तो कल से मैं पूजा करूँगी नवरात्रि का, 2nd डे से शुरू करूँगी पूजा करना। और दुर्गा जी का जब राम, मतलब दुर्गा जी का जब नवरात्रि चलती है तो मैं दुर्गा जी का कवच, स्तोत्र, दुर्गा जी के 32 नाम सब कुछ पढ़ती हूँ, तो कल से वही शुरू करना है। और अभी फ़िलहाल मैं भी छोटी बहन को फल दे दूँ पहले खाने के लिए। बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, इतना गई मैं लेके आई तो फिर अंगूर खट्टे निकले, साला हमारा फ्रिकी ले लिया वो। हम एक चखे, हमको समझ आया नहीं, हमको लगा ठीक है भाई मीठा है, चखे और हम आ गए, दिमाग ख़राब हो गया पूरा, अंगूर एकदम खट्टा खट्टा है। वैसे अंगूर खट्टा ही होता है पर खट्टा मीठा थोड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं ना बिहार में एक शब्द है, अला बुरबक बना दिया हमको। सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ, क्या होता है यार, एक जन को ही व्रत रहता है ना घर में, तो ऐसा लगता है कि आप खुद क्या खाओ, और मेरा मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। मॉर्निंग में पोहा बनाई थी, अभी सोच रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मेरी बहन का साबुदाना खिचड़ी उसने बनाई थी, थोड़ा सा रखी हुई है, सोच रही हूँ पोहा और साबुदाना खिचड़ी, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है खाने का, मैं सोच रही हूँ वही खा लेती हूँ और थोड़ा बहुत फ्रूट पी लूँगी अगर भूख लगेगा। साबुदाना की खिचड़ी तो अब तो मुझे लग रहा है कुछ भी खाने की जरूरत है, जो खिचड़ी खा के सोना पड़ेगा। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो आज मौसम ऐसा ही हो रहा है भोपाल का, कभी बूंदाबांदी, कभी धूप, कभी छाएं, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। पर हाँ, मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया है, हम लोग कूलर चालू करके सो रहे थे, पर अब मुझे लग रहा है आज चालू करने की ज़रूरत नहीं है कूलर। तो सॉरी, मेरे कैमरा थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा आ रहा है, बट सॉरी उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। गूगल के कैमरे में एक प्रॉब्लम ये है यार कि मुझे कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, नून में इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है पर रात होते होते बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी, अभी आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी। आईफोन का मुझे पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया, बट हाँ आईफोन के कैमरे से जो मैं देखती हूँ ना, फिर भी क्वालिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू गूगल का फ़ोन। तो अब मेरा प्लान है कि इन फ्यूचर सब अच्छा रहा तो मैं ज़रूर खरीदूँगी आईफोन। तो गाइस, अभी आप देख रहे होगे ये कुत्ता जो बैठा हुआ है ना, डॉग, तो हमारे गली में बहुत सारे ऐसे डॉग हैं और ये सारे के सारे डॉग जब भी कोई आता है, जब भी कोई भी गाड़ी निकलेगी, भौ 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 करके पीछे पड़ जाते हैं। समझ नहीं आता भाई, लॉजिक क्या है इनका, ये इनके दिमाग में चलता क्या है। अब जो टॉप पेट्स लवर होंगे उनको पता होगा कि क्यों ये भोंकते हैं, तो दौड़ते हैं भोंकते हुए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी रात में जब ये सारे के सारे भोंकना शुरू करेंगे। देखिए अभी गाड़ियाँ निकल रही है, सब शांति से बैठा हुआ है ये, और अभी 3-4 मिल जाएंगे सब भूखेंगे। अपने छोटे भाई की बहुत याद आती है, ऐसा लगता है कि यार कब आएगा कब आएगा। मैं और मेरी छोटी बहन है भोपाल में, अब उसकी जॉब ऐसी है स्प्लिट है, मॉर्निंग में 4 घंटे है, रात में 4 घंटे है, और 6 से 6:30 तक रात में बैठी रहती है। और मैं अकेले कितना ही बाहर जाऊँ घूमूँ मुझे बोर लगता है। भाई होता तो थोड़ा हम लोग गप्पे करते, चुगलियाँ करते फैमिली में सबकी बैठ के, वो नहीं है तो उसको बहुत याद आती है उसकी, भाई जल्दी आ जा। तो अब मैं खा रही हूँ साबुदाना की खिचड़ी। वैसे तो मेरी बहन और मेरा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे 7:30 बजे और कुछ आइसक्रीम खाएंगे या कुछ जूस पी लेगी वो, उसका फास्ट है क्योंकि, बट अभी प्लान लग रहा है चेंज हो जाएगी क्योंकि व्रत है ना दिन भर का और वो थक भी गई होगी, तो वो भी आराम करेंगे। अब मैं बैठ के चलिए फलाहार करती हूँ, आज लग रहा है मेरा भी व्रत हो गया है। खाते खाते मन में एक बात आई तो सोचा आप सभी से शेयर करूँ कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमको पता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, पर हम इतने मजबूर हो जाते हैं उन आदतों से कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। जैसे मेरी आदत बहुत बेकार है कि खाना नमक है नहीं है, पर मेरी आदत इतनी ख़राब है कि मुझे खाने में अलग से नमक लेके खाना ही है, ये बहुत ही बैड हैबिट है। और पहले मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी की आदत थी कि नमक लेके और मिर्ची लेके अलग से बैठने की,
कुछ भी खाने में कितना भी नमक हो नहीं हो, पर वही आदत अब मुझे लग गई है। बहुत बुरी हैबिट है और मैं इसे कैसे छोड़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर आई होप कि मैं छोड़ पाऊँ, क्योंकि ये आदत मुझे आगे चल के मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अभी से हो रही है, ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो आगे चल के लाइफ में मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहेगी और फिर हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर होगा। अभी आजकल तो जब से कोविड हुआ है तब से तो लाइफ में किसी का कोई भरोसा ही नहीं है, कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, तो इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल मैं पॉडकास्ट भी देखती हूँ हेल्थ को लेकर, बहुत से पॉडकास्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो मन में एक डर आ जाता है कि यार क्या होगा लाइफ में आगे चल के अगर मैंने इसे ध्यान नहीं दिया तो। नाम था मुसाफिर, तो वहाँ पे मेरी बहन डर गई थी, उसके बाद जब से वो आई ना वो कभी लाइफ में इतना डरी नहीं, पर आजकल वो इतना ज़्यादा डरती है और उसके चक्कर में मैं भी डरती हूँ, तो हम दोनों बहन डर डर के निकाल रहे हैं टाइम। मैं चाहती हूँ मेरा भाई आ जाए तो अच्छा रहे, तो हम दोनों साथ में रहें। और साथ में मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ कि क्या हुआ जब मैं व्लॉग बना रही थी, मतलब जब मैं ये शूट कर रही थी वाली बात कि मेरी बहन और मैं आजकल बहुत डरते हैं, तो क्या हुआ कि मेरा फ़ोन ना एकदम अचानक से ऐसे हिलने लगा, बिल्कुल अंदर से ऐसे स्क्रीन हिलने लगी, तो मेरे मन में आया कि मेरे आस पास भूत है क्या और मैं सोचने लगी कि हाँ मेरे आस पास भूत ही है, भूत आ गया, और मैं इतनी कन्विंस्ड हो गई बात सोच के कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी आस पास है, और उसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो 3% चार्ज में था, उस पर मैं इतना भाषण दे रही थी तो इतनी डरपोकी हूँ मैं ये बताना चाह रही हूँ, डरपोकी मतलब इतनी डरपोक कि मतलब कोई लेवल ही नहीं है मेरे को। अगर कोई ऐसे मतलब कल की बात मुझे ऐसे बाजू वाले घर में ऐसे दिखा कि कोई चेयर ऐसे ऐसे हो रही है ऐसे ऐसे, तो मुझे लगा कि भाई साहब इसके अंदर कोई भूत, इसके यहाँ कोई भूत बैठा हुआ है। कुछ देर बाद लाइट ही बंद हो गई, तो मैं और पक्की हो गई, मैं इतनी डरपोक। अभी गाइस ये डरपोक पना हटाना पड़ेगा, ज़िंदगी में इतना कुछ करना है, ऐसे डर डर के जिएंगे तो कैसे काम चलेगा। हर वक्त कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपके आसपास सोया रहे बैठा रहे, आपको अकेले भी तो रहना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। बात है बोली जो है आई ओपनिंग, बात मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर अक्षय सर ने बोला, रात है सोने के लिए और दिन है काम करने के लिए, मेरा दिल है गार्डन गार्डन हुआ, उनकी बात को मैं सर आँखों पर रखूँगी, ला 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 ला। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। गाइस मैं जा रही हूँ अपनी दो चोटियाँ करने के लिए और इसी के साथ करती हूँ मैं अपना डे एंड। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।